अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा। अमेरिकी करीब फॉरेन पॉलिसी ने भारत और दाइश के गठजोड़ को आर्मी अमन के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। फॉरेन पॉलिसी ने दहशतगर्दी के हवाले से तहलका खेज इंकशाफ करते हुए भारतीय दहशतगर्दी का चेहरा बेनकाब कर दिया है। अमेरिकी जरीदे ने आलमी दहशतगर्दी में भारत को सर फहरिस्त रखते हुए भारत और दाइश का आपस में रवाबित का पर्दा चाक कर दिया है। इसने कहा है कि भारतीय दहशतगर्दी की दास्तानें तारीखी तौर पर दुनिया की नज़र से ओझल रही हैं। अगर भारत की इंतहा पसंद पॉलिसियों का नोटिस ना लिया गया तो इसके दौरे रस तक असरात होंगे। दाइश और भारत गठजोड़ ने 2019 में श्रीलंका में हमले किए थे। इसी जोड़ ने 2017 में भी तुर्की में क्लब पर हमला किया, न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम में हमले किए। इन हमलों की मनसूबाबंदी में भारतीय हाथ इंतहाई परेशान कुन है। अमेरिकी जरीदे ने यह भी कहा है कि भारत का दहशतगर्दी में मलबूस होना कोई नई बात नहीं है। भारत के दहशतगर्द ग्रुपों के सरपरस्ती के वाज़ेह असूल मौजूद हैं। कश्मीर में भी भारत में मौजूद इन्हीं अनासिर ने अहम किरदार अदा किया है और भारत के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद नेटवर्क से रवाबित भी हैं। इसने ये भी इंकशाफ किया है कि पहले भारत सिर्फ खित्तों में दहशतगर्दी करता था, अब ये बढ़ रहा है। इसे रोका ना गया तो इलाकाई और बैनुल अक्वामी दोनों के अमन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या बैनुल अक्वामी सतह पर भारत के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है या अब भी इसे बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।